डीजे विकास। दोस्तों, इस तरह का डीजे गाने में अगर आप अपने नाम का आवाज टैग लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप देख रहे हैं हमारा नेट, मैं हूं आपका दोस्त इकबाल। अगर चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और यहाँ पे आप सर्च कीजिए नरेटर्स वॉइस। इसे आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, ये है वो। इसे आप कर लीजिए इंस्टॉल। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है पर मैं आपको सिर्फ ज़रूरी सेटिंग के बारे में बताऊंगा क्योंकि वीडियो हमको लंबा नहीं बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, जो म्यूजिक लेयर का ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, इस पर आपको करना है क्लिक। और यहाँ पे आप देखिए इफ़ेक्ट लोड एक भी नहीं है ना, इफ़ेक्ट लोड। तो इसमें आप क्रिएट पर जाइए, फिर सिलेक्ट पर जाइए और यहाँ पर आप स्पीड को टैप कीजिए और यहाँ पर स्पीड का जो रेट है उसे -2.5 पे ले जाइए, ठीक है। फिर यहाँ पे अप्लाई को आप ओके कीजिए और फिर बैक हो जाइए। फिर से आपको म्यूजिक लेयर पे जाना है, सिलेक्ट पे जाना है और इस बार आपको इको पे जाना है। इको में यहाँ पे देखिए ये फीडबैक जो है 50, उसको आपको कर देना है 40। ये हो गया। ये लाइफ डिले जो है, लिफ डिले, इसे आपको करना है 600, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आप आ जाइए, ये देखिए यहाँ पे राइट डिले है ना, इसे हम थोड़ा ऊपर करते हैं। ये आप देखिए राइट डिले है, इसे आपको करना है 550, ठीक है। अब ये देखिए वेट ड्रेमिक्स, ये जो है ना वेट ड्रेमिक्स, इसे आपको करना है बिल्कुल 0। फिर आप इसे कीजिए अप्लाई और फिर आप बैक हो जाइए। फिर आप म्यूजिक लेयर पे क्लिक कीजिए, फिर से आपको सेलेक्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको चूज करना है सबसे नीचे जो रिवर्ब लिखा है उसको। यहाँ पे ये जो हाई फ्रिक्वेंसी जो है, इसे आपको देना है 180, ठीक है, यानी 0.180 आपको इसे सिलेक्ट करना है। ये मेरा हो गया। उसके बाद अब नीचे आइए, ये रिवर्ब मिक्स है नीचे, यहाँ पे आप देखिए थर्ड नंबर पे, इसे आपको कर देना है -16, ठीक है। तो इसे हम -16 कर देते हैं। हाँ, ये हो गया। अब उसका नीचे आइए, फिर यहाँ पे देखिए रिवर्ब टाइम लिखा हुआ है ना, तो इसे आप 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दीजिए। तो ये मेरा जो है 1500 हो गया। अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ और फिर बैक हो जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर दिखा रहा है ना आदमी का चेहरा, उस पर आपको क्लिक करना है और लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का है पर मैं यहाँ हिंदी लाता हूँ, इंडिया वाली लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं यहाँ हिंदी को सिलेक्ट किया और ये वॉइस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए ऊपर जो है लेखा यानी लड़की और नील यानी लड़का, तो आप जिस आवाज़ में लगाना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कीजिए और फिर बैक कर दीजिए। अब यहाँ पर ये वॉइस वाला जो मैक है, इसे आप बोल के भी टाइप कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पर टच करके जो कीवर्ड से आप चाहे टाइप कीजिए जिस नाम का आप डीजे टैग लगाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डीजे विकास, तो मैं डीजे लिखा और बीच में यहाँ कोमा दिया, ये देखिए, उसके बाद मैं विकास लिख रहा हूँ। तो चलो अब हम इसे अलाउ करते हैं और हम डीजे विकास, एक और बार सुन लीजिए डीजे विकास। हाँ, ये आवाज़ तो पूरा मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो क्यों ना हम इसे हिंदी में करें। तो चलो अब हिंदी में इसमें टाइप करके हम सुनते हैं। तो यहाँ भी मैं डीजे लिखता हूँ और यहाँ पे बीच में देना है आपको अल्प विराम, ठीक है। और अब मैं वो नाम लिख देता हूँ यानी डीजे विकास, और ये मैं इसे फिर चलिए प्ले करके देखते हैं। डीजे विकास, देखिए कितना क्लियर आवाज़ है, एक और बार सुनिए डीजे विकास। अब इसे सेव करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए और सेव वाले ऑप्शन पे फिर क्लिक कीजिए और ये आपका जो है सेव हो गया है, ओके कीजिए।
ठीक है। अब आप अपने फ़ोन मेमोरी पे जाइए और यहाँ पे जो आपका माई फाइल है वहाँ पे जाइए, फिर इंटरनल स्टोरेज पे जाइए और यहाँ पे एक फोल्डर है, वो फोल्डर का नाम है ये देखिए नरेटर वॉइस, इसे आप ओके कीजिए। सुनिए डीजे विकास, सुनिए ना कितना अच्छा क्लियर आवाज़ है। अब मैं क्या करूँगा कि इस जो डीजे टैग है इसे मैं यहाँ से मूव करके किसी दूसरे फोल्डर में रख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा देर तक रहेगा तो ये फिर डिलीट हो जाता है, तो इसे आप किसी दूसरे फोल्डर में ले जाकर सेव कर सकते हैं। इस तरह आप किसी भी डीजे सॉन्ग के लिए अपने नाम का टैग बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी डीजे सॉन्ग में वॉइस टैग को कैसे लगाएं, वो भी मोबाइल से। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला अगले वीडियो आपको मिल जाए। डीजे विकास।